ये देखिए जो मसाले मैंने डाले थे इसके अंदर ऑयल के अंदर, सरसों के ऑयल की वो भून चुके हैं ये देखें। अब इनको मैं डाल देता हूँ चार के ऊपर। ये देखें जो मसाले हैं वो मैं चार के ऊपर डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम लोग बनाएंगे इस इंस्टेंट अचार। उसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो प्याज लिया, उसको छोटा छोटा काट लिया है, और आधा किलो मिर्ची नहीं है मैंने, उनको सेंटर में ये देखे काट के, ये देखे सेंटर में मैंने कट भी लगाया है, कट लाजमी लगाना। उसके बाद ये कुछ मसाले लिए मैंने, कुलंजी लिए मैंने 1.5 चम्मच, हल्दी ली है 1/2 चम्मच, रायदाना लिया 1 चम्मच, सौंफ लिया 2 चम्मच, लाल मिर्च लिया 1.5 चम्मच, नमक लिया 1.5 चम्मच, मेथी दाना 1.5 चम्मच, और ये ज़ीरा है ये भी 1.5 चम्मच। अभी दूसरी तरफ आ जाता, ये मैंने आ लिया है सरसों का, तकरीबन 150 ml है। इसके अंदर अभी मैं कुछ मसाले डाल के भून लेता हूँ। इसके अंदर कलौंजी डाल रहा हूँ, ज़ीरा डाल रहा हूँ, और मेथी दाना डाल रहा हूँ, और राई दाना भी इसके अंदर डाला है। इन सबको थोड़ा सा कड़क कर लेते हैं, भून लेते हैं, और उसके बाद फिर अचार में डालेंगे। ये मैंने एक टप लिया है, इसके अंदर ये मैंने सारे प्याज डाल दिए हैं, हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं धो के, इनको मैंने हल्का सा ड्राई कर लिया था। और अभी इसके अंदर मैं डालूंगा ये जो मसाले हैं हम लोगों ने, लाल मिर्च, नमक और हल्दी, ये इसके अंदर डाल दिए। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। नमक मिर्च अपने हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हो। ये बड़ा ज़बरदस्त अचार है, आप घर पर बना के ये किसी बोतल में रख लें, ये 5-6 महीने तक ये ख़राब नहीं होता है, और इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। घर में कभी आप लोग सालन नहीं पकाते तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बनाना भी बहुत आसान है, और ये चीज़ें भी बहुत सस्ती हैं और ईज़िली अवेलेबल है। दूसरी तरफ ये देखें जो हम लोगों ने मसाले डाले थे भूनने के लिए सरसों के तेल में, वो अभी पक रहे हैं, थोड़े से और पकेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग इसमें डाल देंगे जो हम लोग अचार बना रहे हैं उसके अंदर। ये देखिए जिसके अंदर भी मैं डाल रहा हूँ, एक कप मैंने ये देखिए भर के सिरके का लिया था वाइट वेनेगर का, इसके अंदर डाल दिए, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। ये देखिए जो मसाले मैंने डाले थे इसके अंदर ऑयल के अंदर, सरसों के ऑयल की वो भून चुके हैं ये देखें। अब इनको मैं डाल देता हूँ चार के ऊपर। ये देखें जो मसाले हैं वो मैं चार के ऊपर डाल रहा हूँ। पहले मैंने जो भुने थे ऑयल के अंदर वो इसके अंदर डाल दिए, अब इसको मिक्स कर दिया मैंने। ये देखिए मसाले सारे मैंने डाल के इसको मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1 चम्मच चीनी का पाउडर। चीनी का पाउडर से एक तो गला ख़राब नहीं होता और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए चीनी का पाउडर लाजमी डालें इसके अंदर। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके तो इसको फिर मैं इसके अंदर शिफ्ट कर लाता हूँ बोतल के अंदर, आपको फिर दिखाता हूँ मैं। ये देखिए जी हमारा जो चिली का और प्याज का अचार वो बन चुका है। इसके अंदर मैंने चखा था नमक कम था, मैंने 1 चम्मच नमक का और डाला है, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च भी डाला है, तो वो मैं ऊपर लिख दूँगा स्क्रीन के ऊपर ताकि आप लोग भी उसके हिसाब से इसके अंदर डाल सकें। और ये अचार बिल्कुल रेडी है, अभी इसको बोतल के अंदर शिफ्ट करके आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए जी मैंने एक ऑलिव की मेरे पास बोतल थी वो ली है, तो इसके अंदर भी मैं डाल रहा हूँ। ये देखिए जो हमारा हम लोगों ने अचार बनाया था हरी मिर्च वाला और प्याज वाला रेडी हो चुका है। अभी इसके साथ मैंने ये चावल और मैंने काले चने बने हुए घर के अंदर इसके साथ खा रहा हूँ मैं, तो आप भी घर पर बनाएं। अगर आपके पास सालन नहीं है तो आप इसके साथ ही खाना खा सकते हैं। और ये देखिए दूसरा मैंने ये जार भरा था, ये देखें आप भी जार भर के रख लें, इसमें एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो इसके अंदर जो हम लोगों ने इंग्रेडिएंट डाले हैं उससे ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होता। इसका ढक्कन लगा के आप फ्रिज में रखें या बाहर रखें 3-4 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह।